मैं ही भिखा भाई ऐसे तो गुजरात से थे और सिविल इंजीनियर पीडब्ल्यू में आरएनबी डिपार्टमेंट से रिटायर होने के बाद डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से रिटायर होने के बाद अभी यहाँ सेवा दे रहे और ऐसे ऑर्गेनिक खेती योगिक खेती में हमारा पूरा इंटरेस्ट है। सर्विस में भी हमने 25 साल से खेती किया है और हमारा पूरा खुद का ज़मीन नहीं था तो 10 साल तक बाहर से किराए पर लेकर ज़मीन भी खेती किया था और 5 साल से हमने गुजरात में एक मॉडल ऑर्गेनिक योगिक फार्म बनाया है जिसका नाम है तपोवन भूमि मॉडल ऑर्गेनिक योगिक फार्म, जहाँ आपने यहाँ यज्ञ से हमारे जो बड़े हैं जो ये खेती के राजू भाई जी, सलाह दीदी जी, चंद्रेश भाई जी, वो सब वहाँ पधारे थे। ओम शांति भाई जी, यहाँ आप आए हैं हीलिंग गार्डन में, ये शिवमणि के पास हीलिंग गार्डन 20 एकड़ में अभी योगिक खेती हो रही है अपनी शाश्वत योगिक खेती। इसमें अभी इस सीजन में 17 एकड़ में आलू लगाया है और 3 एकड़ में हम यहाँ जो देख रहे हैं वो सब्जी लगाई हुई है। तो यहाँ जो भी खेती होती है वो शाश्वत योगिक खेती के साथ साथ प्राकृतिक खेती भी है, इसमें कोई प्रकार का केमिकल वाला खाद या दवाइयाँ डाली नहीं जाती। इसमें जो भी खाद दवाइयाँ तैयार करना होता है वो यहाँ ही तैयार होता है, वो इसको बोलते हैं गौ आधारित खेती। गौ आधारित खेती में भी गौ जो होता है वो देसी गाय का गौ का उल्लेख है और इसमें देसी गाय का गोबर है, देसी गाय का गौमूत्र है, उसका घी है, उसका दही है, उसका दूध है, उसका छाछ है, वो सब इसमें यूज होता है। तो खास खाद के लिए हम बना रहे हैं जीवामृत बना रहे हैं, जो जीवामृत में 5 आइटम डालते हैं। इसमें 200 लीटर का जो ड्रम होता है उसमें 10 केजी गोबर होता है देसी गाय का गोबर और 10 लीटर उसका गौमूत्र होता है देसी गाय का गौमूत्र। फिर इसमें 2 केजी गुड़ डालते हैं, देसी गुड़, वो भी जो खाने वाला गुड़ नहीं, देसी गुड़ मिलता है जो किसी खेती में काम कर लगता है, वो 2 किलो डालते हैं। उसमें 2 केजी बेसन डालते हैं, वो घोल के सब डालना पड़ता है इसमें, और बाकी का जो पानी भरते हैं इसमें। साथ में बैक्टीरिया के लिए किसानों को बताया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया सब ऐसे फॉर्म में कोई किसी के पास होता नहीं है, तो अपने पास जो होता है वो वड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी या तो पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी मुट्ठी भर लानी है, वो इसमें डालनी है एक बार सबसे पहले जब बनाओ तब, तो इसमें बैक्टीरिया आता है वो मल्टीप्लाई होकर तैयार हो जाता है। इसको 7 दिन तक सुई की घड़ी की दिशा में सुबह शाम 2 टाइम हिलाना होता है, वो 7 दिन तक हिलाते रहेंगे, उसको ढक्कन से ढकना है। एयर टाइट ढक्कन की ज़रूरत नहीं होती इसमें, ऐसे सादा ढक्कन भी चल सकता है। और हिलाने के बाद 7 दिन में ये खाद तैयार हो जाता है जीवामृत, जिसको हम फ्लड इरीगेशन में भी दे सकते हैं, ड्रिप इरीगेशन में भी दे सकते हैं और स्प्रिंकल से भी दे सकते हैं। स्प्रिंकल से देना है तो इसको छान के ऐसे पीप में छान के फिर वेंचुरी के से हम दे सकते हैं इसमें, ये ड्रिप से और स्प्रिंकल से देना हो तो इसमें डालते हैं। तो डालने के बाद इसको वेंचुरी चलाते हैं, वो पानी के साथ जाता है, जहाँ से पानी का सोर्स होता है ना वहाँ से ये चलती है। तो ये हमारा हमारे साथ हमारे विनीत भाई जी भी है, वो हाँ जी ओम शांति भाई जी। तो ये अभी तैयार होके बना है, यहाँ डाला है, वो अभी चल रहा था सुबह का, तो ये 3 ड्रम यहाँ से रखा है, एक के बाद ये छान के यहाँ तैयार होता है। तैयार होने के बाद ये पाइप इसमें डालते हैं और उसको छोड़ते हैं, एंचुरी चालू करते हैं तो इससे जाता है। और जो यहाँ आपके पास 5 मोटर है, 3 ट्यूबवेल है, इसमें 2 सोलार से चलती है और एक लाइट से चलती है, और एक कुआ है जैसे सोर्स ऑफ वाटर के लिए। तो ये सब हमारे पास अवेलेबल है वाटर, तो ये वाटर सिस्टम बनाई हुई है, फ्लड इरीगेशन के लिए भी चल सकता है, लेकिन अभी हमारे पास आलू में हमने स्प्रिंकल यूज किया है और सब्जी में है वो ड्रिप इरीगेशन यूज किया है। सब यहाँ से एक ही जगह से सब एक्टिवेट होता है, संचालन होता है। इसमें लेबर बहुत बचती है, पानी बहुत बचता है और खरपतवार भी बचता है ना, पानी जितना ज़रूरी है उतना ही डाल दे सकते हैं। तो ये सिस्टम बहुत फायदाकारक है कि किसानों के लिए, खाद बनाने का बहुत इजी है, सबको ट्रेनिंग भी देते हैं तपोवन में, हर 15 दिन में एक बार 50 किसानों की ट्रेनिंग होती है,
और ट्रेनिंग में भी कैसे यूज करना होता है ये भी बताते हैं। यहाँ पास में हम देख रहे हैं 2000 लीटर की टंकी है, वो टंकी में हमने गौ कृपा अमृतम बनाया है। जो गौ कृपा अमृतम अहमदाबाद में गिर गौशाला है, जो गिर गौशाला बंसी गिर गौशाला, वहाँ से 1 लीटर लाए थे और 1 लीटर लाने के बाद उसको मल्टीप्लाई करके अभी हमारे पास 2000 लीटर है ना। इसमें वेस्ट डिकम्पोजर बनाया है, वेस्ट डिकम्पोजर के भी वो गवर्नमेंट की एक बोतल आती है 20 रुपये की, 20 रुपीज़ की, वो हमने डाला इसमें से मल्टीप्लाई करके हमने 2000 लीटर बनाया है ना। तो ऐसा करके हमने इसमें आंकड़ा बनाया है, जो आंकड़ा पोटाश का काम करता है, जहाँ भी ऐसे पोटाश की ज़रूरत है जिस सब्जियों को, इसमें ये आंकड़ा बनाया है। ये आंकड़ा मना अपना जो रोड साइड में होता है अक जो बोलते हैं, वो अभी सामने दिख रहा है, वो आंकड़े के पत्ते इसमें डालते हैं, उसको वेस्ट डिकम्पोजर इसमें डालते हैं और गौ कृपा अमृतम 5-5 लीटर दोनों डालते हैं, तो ये भी 1 हफ्ते में तैयार हो जाता है पूरा। एक हर यहाँ जैसे हिलाना होता है, इसको भी 1 हफ्ते में सुबह शाम हिलाने से वो तैयार हो जाता है। अभी देखना हो तो वो भी देख सकते हैं। ये हमारा आंकड़ा तैयार है, जो हमने आलू लगाने से पहले पूरे खेत में डाला था। अभी आंकड़ा दिखेगा ही नहीं, सब अंदर मिक्स हो गया है और पानी हो गया है उसका, है ना। तो पत्ते थे, उसके डंडी थी, वो सब थी, वो सब पानी हो गया है, तैयार है। तो जब डालना होता है तब, तो ये जब आलू तैयार हो होती अभी, तो फसल तैयार होने समय पर इसको डालते हैं तो पोटाश का काम करता है। पोटाश माना आलू की चमक बढ़ती है, आलू की साइज बढ़ती है इससे, और कुछ भी इंसेक्ट्स नहीं लगते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ बनाते हैं। फिर पंचगव्य भी बनाते हैं, पंचगव्य में गाय का दूध है, गाय का छाछ है, गौमूत्र है, गोबर है और गाय का घी है, वो 5 आइटम से हमारा पंचगव्य भी बनता है। जो पंचगव्य भी ऐसा है, जो बीमार आदमी होता है उसको डॉक्टर बोलते हैं कि सीरा बना के थोड़ा खाओ और ताकत आ जाएगी, तो ये पंचगव्य ऐसा है, क्योंकि इसमें घी गाय का डलते हैं तो ये ताकत का काम करता है। जहाँ भी पौधे कमज़ोर दिखते हैं तो उसको स्प्रे करके उसके साथ पानी के साथ देकर उसको ठीक कर सकते हैं, ये पंचगव्य का बहुत अच्छा काम है। तो ऐसे हम यहाँ 10 पणी अर्क बनाते हैं, 10 पणी अर्क क्या काम करता है, पेस्टिसाइड का काम करता है, क्योंकि यहाँ बाजार से कोई केमिकल वाली दवाइयाँ लाते नहीं, इसलिए पेस्टिसाइड के लिए, क्योंकि कहीं भी दीमक वो कोई आता है, कोई कीट आता है और खेती को नुकसान करता है ऐसा लगता है, तो इसके पहले हम पहले से ही उसको डाल देते हैं। ये खेती किया तब बनाया था हमने, वो बनाया पहले से ही डाल दिया, आप देखेंगे कोई भी जगह आपको कीटक दिखेंगे नहीं अभी। तो 10 पणी अर्क में ये भी अपने आसपास में जो पेड़ पौधे हैं उससे 10 प्रकार के पौधे, जिसमें थोड़ा कड़वास होता है, नीम का पत्ता होता है, ऐसे सब पत्ते हैं, तो ये 10 पणी अर्क बना के उसको स्प्रे कर देते हैं पहले से ज़मीन में भी, लैंड तैयार करते हैं कल्टीवेशन करने के पहले जो डालते हैं पानी देते हैं उसमें भी उसको छोड़ देते हैं, तो इसके बाद कभी भी कीट आएगा नहीं। वो 10 पणी अर्क भी बहुत असर करता है, काम करता है। और ये गौ कृपा अमृतम भी ऐसा है जो हमारी ज़मीन को सॉफ्ट करता है, उसको अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसको मल्टीप्लाई करके बढ़ाता है, तो ज़मीन हमारी बहुत अच्छी फलद्रुप होती है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ ही तैयार करते हैं और किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, तब भी सब सिखाते हैं, किसी को बाहर से कोई दवाइयाँ खाद लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो किसान ये शाश्वत योगी खेती, शाश्वत योगी खेती इसलिए कहा जाया है कि ये तो हुआ प्राकृतिक खेती की बातें, यहाँ सुबह शाम सब बैठ के हम जो हमारे जैसे जो सेवादारी है वो या तो बाहर से भी बहने आती है, भाई आते हैं, तो यहाँ बैठ के योग का वाइब्रेशन देते हैं, है ना। तो ये मेडिटेशन करते हैं, हमारे वहाँ सामने वो मेडिटेशन के लिए एक स्टेज भी बनाया हुआ है, और यहाँ जो बीच में मेड़ बनाई है वो मेड़ पर सब बैठते हैं और बैठ के योग करते हैं, योग का वाइब्रेशन देते हैं पौधों को, तो परमात्मा से शक्ति लेते हैं और शक्ति ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो दूसरे किसान खेती करते हैं उसमें कीट लगते हैं, कुछ नुकसान होता है, खुराक उसको जल्दी नहीं मिलता है, तो पौधे खराब होते हैं, ये सब समस्याएं यहाँ ख़त्म होती हैं। बाबा का झंडा लगाया हुआ होता है, वो भी जो हमारे मित्र कीटक है उसको आकर्षित करते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि यहाँ आपको पौधे ऐसे ग्रीनरी वाले दिखा देंगे, है जो केमिकल यूज करते हैं ना वो भी ऐसी इसकी ग्रीनरी नहीं होगी, और कोई पत्ते आपको इंसेक्ट ने खाया हुआ दिखाई नहीं देगा। ये पालक है, धनिया है, मेथी है, सुआ है,
ब्रोकली है, फिर आगे चना अंदर है, मटर है, फिर इसमें है वो गाजर है, मूली है, सफ़ेद मूली लाल आती है वो भी है, लाल गोल मूली आती है वो भी है, लाल शलगम भी है, छोटा वाइट शलगम भी है, गांठ गोभी है, पत्ता गोभी है, रेड पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, बहुत प्रकार की सब्जियां डाली लगाई है। और सामने जो प्लॉट दिख रहा है वो अपना बीज के लिए प्लॉट है पूरा, यहाँ बीज भी यहाँ ही तैयार करते हैं, क्योंकि वो बाज़ार से बीज लाते हो केमिकल वाला आता है, तो यो अपर यहाँ यूज करेंगे तो केमिकल का एक दो साल तक ये उसको थोड़ा ट्रीटमेंट करने में पौधों को दिक्कत आती है, तो अपना ही खुद का यहाँ ही प्राकृतिक खेती का जो बीज तैयार हुआ होगा तो पहले ही साल से कोई भी दिक्कत आएगी नहीं, है ना। तो ये सब यहाँ लगाई है, अपने सिंगी लगाई है, गुआर, भिंडा, अभी लौकी लगाई थी, करेला लगाया है, तुरिया है, गिलकी है, ये सब चीज़ें वहाँ लगाई, इसके सब बीज तैयार हो रहे हैं। इसकी लाल भाजी है, लीली भाजी है, उसके भी बीज तैयार हो रहे हैं, क्योंकि बाज़ार से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं। और एक बीघा में एक मॉडल बनाया हमने, एक बीघा ज़मीन है, यहाँ से एक किलोमीटर ही आगे तक फोन से, जो मॉडल में एक बीघा ज़मीन में एक किसान चार बीघा की खेती कैसे कर सकते हैं। यहाँ देख तो हम तो तीन थ्री लेयर अपना फार्मिंग है, उधर है हमने फोर लेयर फार्मिंग किया है। तो फोर लेयर फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि एक तो ज़मीन के अंदर मूली, तो ये आलू है, बीट है, ऐसी जो बीज अंदर जाती है, गाजर है, वो सब अंदर जाती है। इसके ऊपर आती है भाजी, सुवा पालक, धनिया, मेथी, फिर इसके ऊपर आता है पौधे वाला सब्जी, मिर्ची, टमाटर, रिंगन, ये होता है। फिर इसके ऊपर आता है बेल वाली सब्जी, ये करेला है, फिर लौकी है, वो सब इसमें चढ़ती है। उसका माड़वा जैसे बनाया ना वैसे वहाँ बनाया है। तो ये फोर लेयर और मल्टी लेयर और मल्टी क्रॉप फार्मिंग है। यहाँ भी आपको नीचे सब धनिया भाजी सब मिलेगी और ऊपर सब बेले चढ़िए। तो ये अपना बहुत बढ़िया मॉडल है, किसानों को जो आते हैं वो प्रभावित होते हैं, यहाँ से ऐसा संकल्प करके जाते हैं ये हम भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें खर्चा कम हो जाता है। क्योंकि आज तक किसानों को खरपतवार का बहुत, यहाँ आप देखेंगे खरपतवार को कितना नियंत्रण किया हुआ है। दूसरी जगह पास में ही आप कोई खेत में जाओगे केमिकल वाला खेत, तो इतना खरपतवार है, वो किसान खरपतवार निकालने में ही खर्चा में बहुत परेशान हो जाता है। तो ये कंट्रोल भी यहाँ सब हो रहा है धीरे धीरे। तो ये आप सबको जो भी सुन रहे होंगे ये वीडियो, और सबको प्रेरणा मिले और यहाँ आके ट्रेनिंग भी ले, किसानों को ट्रेनिंग फ्री दिया जाता है, यहाँ रहने का तपोवन में भोजन सब व्यवस्था मिलती है, और कोई भी सेंटर के माध्यम से आपको आना होता है। अभी अगले जनवरी से शुरू होता है, हर 15 दिन एक ट्रेनिंग होती है। यहाँ आने के बाद हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने बाबा ने ये सेवा देने का मौका दिया है, और सबको बहुत प्रेरणा दे, ऐसा सर्विस हमारा हो रहा है। बाबा थैंक्स थैंक्स थैंक्स, ओम शांति। आप सबका भी बहुत शुक्रिया जो आपने ये सब रिकॉर्डिंग किया, और आगे सबको किसानों को आप ट्रांसमिट करेंगे, दिखाएंगे, तो बहुत सबको प्रेरणा मिलेगी। ओम शांति भाई, थैंक यू। जो मेन कृषि एंड ग्राम विकास प्रभाग से होता है, और उसके अध्यक्ष है हमारे मेहसाणा से सल्ला दीदी जी, और उपाध्यक्ष है हमारे आदरणीय राजू भाई जी। और यहाँ जो खेती हो रही है शाश्वत योगिक खेती का, उसमें हमारे करण भाई जी है, और हम इसके साथ हमारे चंद्रेश भाई जी है, इसके साथ हमारे मोहन भाई जी है, और बहुत सारे सेवाधारी इसके साथ हम सेवा कर रहे हैं, जो इस खेती को ऐसी अच्छी मॉडल में के रूप में, हमारे एक जगदीश भाई जी है, वो प्रहलाद भाई जी है जो एक बीघा में जो मॉडल बनाया है वो वहाँ संभाल रहे हैं ये भाई, और ये हमारे एक रामनाथ भाई जी है वो दो वहाँ, और हम यहाँ तपोवन से संभाल रहे हैं, यहाँ भी संभाल रहे हैं। तो ये सबके सहयोग से अब ये अच्छी तरह से खेती हो रही है। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। हम सोच रहे हैं कि ये वीडियो, ये मैसेज सभी तक पहुंचेगा और किसान भाइयों को पहुंचेगा, वो भी इसका लाभ लेंगे। तो इसके लिए प्रैक्टिकल में आके देखेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। जिनको ट्रेनिंग में आना चाहे तो आ सकते हैं, तो बाकी जो भी है लिंक वगैरह हम वहाँ नीचे दे देंगे। ट्रेनिंग का प्रोग्राम तैयार हो गया है? हाँ जी, मैंने अभी देखा था, अभी 5 ट्रेनिंग के लिए शायद वो रेडी हो गया, रेडी हो गया है अप्रैल तक। हाँ जी, हाँ जी, अप्रैल तक का, जनवरी से अप्रैल तक का 5 ट्रेनिंग का, कल ही देखा था मैंने।